Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn very basic about how SQL language works and how we use commands like DML, DDL, DCL and how these commands work. Let's start. Before starting SQL injection, we must know how SQL works. SQL stands for Structured Query Language. It's a standard language for accessing and manipulating RDBMS databases. Basically, SQL जो है वो language है जो कि use करते हैं हम लोग जो different किस्म के databases हैं उनके अंदर manipulation करने के लिए. SQL can execute queries against a database like retrieve करने के लिए, insert, update, delete, create data or set permission on a tables, procedures एंड व्यूज. जो ये लैंग्वेज है हम लोग यूज करते हैं कोई भी जो डेटाबेस होगा उसके अंदर कोई चीज इंसर्ट करनी है, कोई डाटा अपडेट करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं. RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द बेसिस फॉर SQL एंड फॉर ऑल मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम सच एज MS SQL सर्वर, IBM DB2, Oracle, MySQL एंड Microsoft Access. ये जितने भी मैंने अभी बताए हैं ये सारे के सारे डिफरेंट डेटाबेस हैं और ये सारी एप्लीकेशंस हैं. जो SQL है वो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज यूज करते हुए हम जो भी डेटाबेस यूज करेंगे उसके अंदर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं और कोई भी परमिशन जो है वो सेट कर सकते हैं. द डेटा इन RDBMS इज स्टोर इन अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड टेबल्स. जो भी डेटा हम स्टोर करवाते हैं डेटाबेसिस के अंदर उनको हम लोग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. लाइक टेबल जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट्स है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेबल है और टेबल नेम जो है वो यूजर है. अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज एंड इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज. जो भी डेटा टेबल होगा वो बेस करता है, ये यहाँ पे आप कॉलम्स देख सकते हैं, इसके अंदर दो कॉलम्स हैं और रोज के ऊपर बेस करता है. उसके अंदर लाइक यहाँ पे 5 रोज हैं, इसके अंदर ज्यादा भी कॉलम्स हो सकते हैं और ज्यादा रो भी हो सकती हैं जहाँ पे आप डिफरेंट डाटा जो है वो स्टोर करते हैं. यूजिंग SQL इन वेबसाइट दैट शोज डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस यू विल नीड. अगर आपने कोई वेबसाइट है और उसके अंदर कोई डाटा शो करवाना है तो आप उसके लिए डेटाबेस क्रिएट करते हैं. लाइक कोई भी डेटाबेस हो सकता है, जैसे MS Access हो सकता है, SQL सर्वर और मोस्टली जो है MySQL यूज हो रहा है. तो यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं लाइक PHP या ASP होगी और इसी तरह फिर हम SQL की लैंग्वेज यूज करेंगे डेटा को क्यूरी करवाने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डिलीट करने के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग SQL यूज करते हैं. SQL कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स DML, DDL, DCL एंड TCL. जो SQL कमांड्स हैं बेसिकली 4 डिफरेंट सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है. तो ये जो 4 ग्रुप्स हैं इनको अभी हम देख लेते हैं वन बाई वन. द फर्स्ट वन इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML. DML डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा. DML कमांड्स आर यूज टू स्टोरिंग, रिट्रीविंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग डेटा. जैसा कि नाम से इसके पता लग रहा है कि मैनिपुलेशन, ये DML के अंदर हम लोग क्या करते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं. अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट कमांड है लाइक सेलेक्ट रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, यानी कि कोई भी डेटा रिट्रीव करना है तो फिर हम सेलेक्ट की कमांड यूज करते हैं. देन अपडेट, अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ डेटाबेस, मीन के डेटाबेस के अंदर कोई चीज अपडेट करनी है तो फिर अपडेट की कमांड यूज करेंगे. इसी तरह फिर डिलीट की कमांड है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स को हम लोग डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर. और इसी तरह अगर आपने नया डेटा एंटर करना है तो हम इंसर्ट की कमांड दे सकते हैं, इंसर्ट डेटा इनटू अ डेटाबेस. तो यहाँ पे अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं. ये मेरे पास टेबल है और टेबल नेम यूजर है, इसके अंदर दो कॉलम्स हैं और ये रोज हैं जिसके अंदर सैंपल डेटा दिया गया है. अब हम यूज कैसे करते हैं, कमांड कैसे यूज करते हैं. लाइक सेलेक्ट अगर करवाना है, सेलेक्ट मीन्स कोई भी यहाँ से डेटा रिट्रीव करवाना, तो कैसे करेंगे. सबसे पहले मैं सेलेक्ट लिखूंगा, देन उसके बाद क्या करूंगा मैं स्टेरिक लिखूंगा. स्टेरिक मीन होता ऑल. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ फ्रॉम यूजर. अच्छा, फ्रॉम लिखूंगा, फ्रॉम इसी तरह कैपिटल में आएगा, सेलेक्ट भी इसी तरह कैपिटल में आएगा. यूजर जो है कहां से मैं सेलेक्ट करवा रहा हूं, ये यूजर जो है बेसिकली टेबल का नाम है. तो मैं यहां पे बता रहा हूं यूजर्स के टेबल से क्या करें, वेयर फर्स्ट नेम इज अली, जो फर्स्ट नेम अली है उसको वो सिलेक्ट करे. मैं जब इसको इंटर करता हूं तो वो क्या करेगा, मुझे ये आउटपुट दे देगा, यानी कि फर्स्ट नेम अली है और लास्ट नेम हसन है. इसी तरह हम इसको फर्दर कर सकते हैं कमांड को कि सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट के बाद मैं यहां पे स्टेरिक नहीं लिख रहा, यहां पे मैं ऑल करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे कॉलम बताता हूं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनको सिलेक्ट करे कॉलम्स को फ्रॉम
यूजर यानी कि यूजर के टेबल से, फिर क्या करें वेयर फर्स्ट नेम इज अली जो है उसको रिट्रीव कर दे, तो वो फिर वो मुझे वो ये डाटा डिस्प्ले करेगा। ये बोथ कमांड सेम तरह ही काम करेंगे, इसमें हम लोग ऑल कर रहे हैं, कोई भी कॉलम या रो है वहां से उठाएगा इस टेबल की, और यहाँ पे हम बता रहे हैं स्पेसिफिक इन दो कॉलम्स को उठाओ, इनमें से जो यूजर है अली उसका नाम हमें जो है वो डिस्प्ले करके दो डिटेल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं अपडेट की, अपडेट कैसे करते हैं। तो मैं उसी तरह अपडेट लिखूंगा, फिर मैं बताऊंगा कहाँ से मैंने करना है, टेबल का नेम यूजर्स है और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ अपडेट करने लगा, सेट करूंगा क्या लास्ट नेम हैदर, हैदर जो है वो करे लास्ट नेम सेट, और कहां पे करे वेयर फर्स्ट नेम इज अली, जहां पे अली लिखा हुआ है फर्स्ट नेम वहां पे लास्ट नेम जो है हैदर कर दे, पहले हसन है उसको हैदर कर देगा। तो मैं जब इसको इंटर करता हूं तो वो यहां पे इसका नाम अपडेट कर देगा, यानी कि उसको रिप्लेस कर देगा हसन को हैदर के साथ। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए मैं डिलीट लिखूंगा फ्रॉम यूजर यानी कि टेबल से, यूजर्स के टेबल से, एंड देन वेयर फर्स्ट नेम इज अली जो है यहां पे अली है फर्स्ट कॉलम के अंदर वहां पे उसको डिलीट कर दे, जब मैं इसको करूंगा तो वो इसको डिलीट कर देगा। अच्छा, इसी तरह एक और सेम कमांड मैं यूज करूंगा, वो है डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर फर्स्ट नेम, यहां पे आप देखें यहां ऊपर इक्वल था, यहां पे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल मींस कि जहां पे सलमान लिखा हुआ है इसको ना करे, बाकी रिमेनिंग्स को वो डिलीट कर दे। जब मैं इसको इंटर करता हूं तो वो क्या करेगा कि सलमान और ये जो खान है ये इसी तरह रहेगा, लेकिन रिमेनिंग जो है जितने भी इसके अंदर रोज होंगी वो उसको सबको डिलीट कर देगा। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम देंगे तो इसी पैटर्न में ही कमांड्स देंगे, कैपिटल्स में, और जो नेम है सेम नेम यूज करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और एंड में सेमी कॉलन से हम उसको स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट जो है जी, हम लोग अगर हमें डाटा इंसर्ट करना है, ऑलरेडी टेबल है उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना है, तो फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंसर्ट लिखेंगे एंड देन इनटू यूजर्स यानी यूजर के टेबल में इंसर्ट करें, क्या करें जी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो कॉलम है वहां पे क्या करें वैल्यूज ऐड करें, कौन सी वैल्यूज ऐड करें, यानी कि मैं एक नई वैल्यू ऐड करवाना चाहता हूं आमिर और खान, आमिर जो है वो बेसिकली फर्स्ट नेम है और खान जो है वो लास्ट नेम है, और इसको फिर हम जब इंटर करेंगे तो वो यहाँ पे नई रो के अंदर नई वैल्यू ऐड कर देगा। इस तरह इंसर्ट की जो कमांड है वो वर्क करती है डीएमएल के अंदर। नेक्स्ट है जी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इंक्लूड कमांड्स फॉर डिफाइनिंग डेटा स्ट्रक्चर, डीडीएल कमांड्स आर कॉमनली यूज्ड टू डिफाइन अ डेटाबेस स्कीमा, द स्कीमा रेफर टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटाबेस। बेसिकली इसके अंदर हम कंप्लीट जो डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं स्कीमा कहते हैं। कोई भी आप जो डेटाबेस क्रिएट करने लगते हैं तो उसका पहले आप स्कीमा जो है वो डिजाइन करते हैं, फिर उसी तरह उसको क्रिएट करते हैं। इसके अंदर जो कमांड यूज होती हैं वो मोस्टली क्या होती है क्रिएट करने के लिए, यानी कि कोई नया टेबल क्रिएट करना है तब हम लोग यूज करते हैं, इसी तरह हम कुछ अल्टर करना चाहते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर कोई टेबल है उसको अगर करना है अल्टर तो हम उसको हम अल्टर की कमांड यूज करते हैं, इस तरह ड्रॉप की कमांड यूज करते हैं, अगर हम लोगों ने कोई यहां से ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव करना है डिलीट करना है उसके लिए हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं, और इसी तरह रीनेम भी यूज करते हैं कि ऑलरेडी अगर कोई नाम है जैसे यहाँ पे कॉलम के अंदर कुछ दिया हुआ है उसको अगर रीनेम करना है तो हम उसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में क्या होगा, सबसे पहले हम अल्टर लिखेंगे, फिर टेबल, टेबल इस तरह कैपिटल में लिखेंगे, एंड देन फिर कौन से टेबल में से, यानी कि ये मेरे पास एक सैंपल टेबल है यूजर, यूजर में से क्या करे ऐड करे कॉलम, एक नया कॉलम ऐड करे जो कॉलम का जो नेम हो वो बेसिकली फोन हो, और उसके बाद फिर हम जो भी कॉलम जब क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो डेटा स्टोर होना है उसका हम लोग बताते हैं वो किस तरह स्टोर करें, वहां यहां पे लिखा हुआ है वेरिएबल करेक्टर जो है वो 20 हो, 20 मींस सिर्फ 20 करेक्टर ही उसके अंदर स्टोर कर सके। जब ये लिख के एंड में सेमी कॉलन लिख के को मैं इंटर करता हूं तो वो एक नया कॉलम क्रिएट कर देता है। इस तरह हम लोग नया जो कॉलम है वो अल्टर कर सकते हैं, ऑलरेडी अगर बना हुआ है तो हम नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, और इसी तरह सेम वे हम रीनेम, ड्रॉप और क्रिएट की कमांड भी यूज कर सकते हैं डीडीएल के अंदर। नेक्स्ट है जी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इज यूज टू इम्प्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल लॉजिक इन अ डेटाबेस। डीसीएल कैन बी यूज टू रिवोक ग्रांट यूजर प्रिविलेजेस ऑन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल, व्यूज एंड फंक्शंस। जैसा कि इसके नाम से है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, बेसिकली ये क्या करता है कि आप जो डिफरेंट डेटाबेस के यूजर बनाते हैं उनको आप किस किस्म की एक्सेस देना चाहते हैं वो हम लोग फिर डीसीएल लैंग्वेज की जो कमांड्स है उनको यूज करते हुए आइदर हम लोग उनको ग्रांट कर सकते हैं कौन सी परमिशन उनके पास हो और कौन सी परमिशन ना हो, और अगर
ऑलरेडी परमिशन है, रिवोक भी कर सकते हैं। तो ग्रांट जो है वो बेसिकली प्रिविलेज देने के लिए है, रिवोक क्या है वो बेसिकली जो ऑलरेडी अगर दी हुई कुछ ग्रांट्स उनको रिमूव करने के लिए है। इसकी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि मैंने लिखना है ग्रांट ऑल, ग्रांट लिखूंगा, ऑल दे रहा हूं ग्रांट ऑन किस पे, टेबल यूजर्स के ऊपर, टेबल पे टू फोरम, फोरम बेसिकली यूजर नेम है, डेटाबेस के अंदर आपने यूजर बनाते हैं तो वो यूजर नेम दिया गया कि इस यूजर को बेसिकली ग्रांट कर दो, यानी कि इसको एक्सेस दे दो ऑल फॉर जो यूजर टेबल है, स्पेसिफिक टेबल की ग्रांट दे रहे हैं हम लोग इसके अंदर। इस तरह हम लोग ग्रांट दे सकते हैं। इसी तरह रिवोक भी करना चाहें तो मैं यहाँ पे रिवोक लिखूंगा और आर लिख के सेम कमांड यूज करूंगा, इस यूजर की वो जो फोरम है इसकी यूजर्स टेबल की ग्रांट वो रिमूव कर देगा। सो दिस इज द वे डीसीएल जो लैंग्वेज है वो वर्क करती है। नेक्स्ट जो जी हमारे पास है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल। अच्छा, टीसीएल कमांड्स आर यूज्ड टू मैनेज ट्रांजेक्शन इन द डेटाबेस, दीज आर यूज्ड टू मैनेज द चेंज मेड बाय डीएमएल स्टेटमेंट्स। ये बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं, इसके नाम से जैसे लग रहा है कि ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो भी ट्रांजेक्शन अगर हो रही है उनको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आप कमिट की कमांड यूज कर सकते हैं, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन कमिट करवानी है तो फिर हम किसके पास कमिट्स के राइट होने चाहिए, इस तरह कोई ट्रांजेक्शन अगर होगी है और आप उसको रोल बैक करना चाहते हैं तो रोल बैक की कमांड यूज करते हैं। इसी तरह सेव पॉइंट है टू रोल बैक द ट्रांजेक्शन मेकिंग पॉइंट्स विद इन अ ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स के अंदर हम लोग सेव पॉइंट्स बना लेते हैं जिसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन आपने रोल बैक करनी हो, यानी कि एक जब ट्रांजेक्शन हो वो जाके एक सेव पॉइंट पे रुक जाए, वो तब तक नेक्स्ट ना जाए जब तक आपने कोई नेक्स्ट यूजर को एक्सेस दी हो कि वो उसको कमिट करे और फिर ही वो कंप्लीट हो ट्रांजेक्शन। इसी तरह आप सेट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, कोई भी अगर ट्रांजेक्शन है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के आप करेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेट कर सकते हैं कि ये चीजें हो तो फिर ही ये ट्रांजेक्शन हो। तो इस तरह हम ये जो सारा काम है टीसीएल यानी ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर होता है। सो दीज आर दी बेसिकली एसक्यूएल कमांड्स जो हम लोग यूज करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर। नाउ लेट्स मूव टू द, ये मेरे पास वेब गॉट की एप्लीकेशन ऑन है और के अंदर हम लोग जो OWASP की सबसे पहली फर्स्ट वल्नरेबिलिटी है A1 इंजेक्शन उसके अंदर हम लोग हैं और उसका जो फर्स्ट लेसन है एसक्यूएल इंजेक्शन इंट्रो उसमें हम लोग हैं। इसके अंदर वही गोल बताया गया है कि एसक्यूएल कैसे काम करती है, डीएमएल डीडीएल डीसीएल कैसे करती है, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम लोग डायरेक्टली फिर इस पे आते हैं नंबर 2 पे, जो टास्क हैं डिफरेंट किस्म के लैब के वो हम लोग देख लेते हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। इसके अंदर बेसिकली उन्होंने एक टेबल दिया गया है, ये उसका टेबल का नाम है एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल का नाम है और ये इसके कॉलम्स हैं और ये इसकी रोज है इस टेबल के अंदर, और उसके अंदर इन्होंने हमें एक टास्क दिया है जो हम लोगों ने करना है ट्राई टू रिट्रीव द डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय बॉब फ्रेंको। अच्छा, हमने क्या करना है, यहाँ से कोई डेटा रिट्रीव करना है, डिपार्टमेंट निकालना है जो कि बॉब का है। तो ऑलरेडी उसने यहाँ पे बताया हुआ है उसका जो डिपार्टमेंट है बॉब का, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केटिंग है, लेकिन हम लोगों ने अगर रिट्रीव करवाना है तो फिर हम कौन सी कमांड यूज करते हैं। तो जब भी हम रिट्रीव कराते हैं तो हम बेसिकली सेलेक्ट की कमांड यूज करते हैं, मैं यहाँ पे सेलेक्ट लिख देता हूँ, कैपिटल में ही सेलेक्ट लिखूंगा और उसके बाद फिर हम क्या रिट्रीव कराना चाहते हैं वो उसका कॉलम लिखूंगा, डिपार्टमेंट लिख लिया है और फिर मैं फ्रॉम लिखूंगा, फ्रॉम के बाद टेबल, टेबल जो था वो एम्प्लॉयज है तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज लिख देता हूँ और फिर हम बताएंगे किसका निकाले तो वो मैं यहाँ पे वेयर लिखूंगा और वेयर कैपिटल में है और उसके बाद जो फर्स्ट नेम है इक्वल साइन देता हूँ और बॉब का बेसिकली उसने बताया सेमी कॉलन भी एंड पे मैं लगा देता हूँ। तो ये हम लोग काम कर रहे हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली हम लोग जो एम्प्लॉयज का टेबल है वहां से निकाल रहे हैं और बॉब का बेसिकली के लिए हमने देखना है डिपार्टमेंट कौन सा। इसको अगर मैं सबमिट करता हूं तो यस उसने देखा है, उसने हमें डिपार्टमेंट इसका मार्केटिंग है वो निकाल दिया है। कोई भी जब डाटा निकालना हो तो हम लोग सिलेक्ट की कमांड यूज करते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए। अब हम इसकी नेक्स्ट जो लैब है उस पे चले जाते हैं नंबर 3 के ऊपर। अच्छा, इसमें भी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल को यूज कर रहे हैं और इसके अंदर क्या टास्क दिया गया वो देख लेते हैं। अच्छा, उसने कहा है ट्राई टू चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ टोबी, वो कह रहा है कि इसका डिपार्टमेंट चेंज करना है सेल्स में, ये हम लोगों ने काम करना है। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम लोगों ने कुछ चेंज करना है। जब चेंज करते हैं तो ऑलरेडी टेबल है हमारे पास तो उसके अंदर फिर हम लोग अपडेट यूज करते हैं और ये हम कहां से करेंगे, जो डिटेल है हम उसी तरह फर्स्ट पे जाएंगे जो सेकंड है जिसके अंदर टेबल दिया गया है, ये सारा इसी तरह एम्प्लॉय का ही टेबल है और इसके अंदर उसने कहा है जो तो भी है फर्स्ट नेम इसका इस कॉलम में, इसका बेसिकली जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट है वो डेवलपमेंट है, इसको अपने सेल्स में अपडेट करना है। तो हम लोग अब इसको
उसको चेंज करने लगे हैं डिपार्टमेंट को सेल्स में। उसके लिए जो हम लोग क्यूरी यूज करेंगे एसक्यूएल की, वो बेसिकली अपडेट की है, और अपडेट उसी तरह कैपिटल में लिखना है। फिर टेबल्स नेम क्या था जी, एम्प्लॉयज था, एंड देन फिर उसके बाद हम क्या करने लगे, हम सेट करने लगे हैं। क्या सेट करने लगे हैं हम, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट क्या सेट करना है वो बेसिकली हम यहाँ पे इक्वल साइन देंगे, और उसके बाद मैं फिर सेल्स लिखूंगा, सेल्स, और क्या करेंगे, किसका करेंगे, मैं वेयर लिखूंगा उसी तरह कैपिटल में, एंड द फर्स्ट नेम अंडरस्कोर नेम इक्वल साइन, और किसका है ये बेसिकली टीओ बी है, यूजर नेम उसका तो भी है, और एंड में सेमी कॉलन लगा देता हूँ। अभी हम कर ये रहे हैं कि हम अपडेट कर रहे हैं कि ऑलरेडी कोई डाटा है डेटाबेस के अंदर, उसको हम जब अपडेट करेंगे तो फिर हम ये कमांड लिखेंगे अपडेट, और टेबल नेम एम्प्लॉयज है, सेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट, वो उसका है सेल्स, हम लोगों ने सेट करना है। वेयर फर्स्ट नेम इज सोबी, इसको लिखेंगे हम लोग, और करने के बाद फिर इसको मैं सबमिट करवाता हूँ। ये उसने क्या किया, उसने पहले उसका डिपार्टमेंट डेवलपमेंट था, उसको उसने सेल्स में अपडेट कर दिया, यानी कि ये हम लोगों ने लैब सक्सेसफुली कर ली है। अब जो नेक्स्ट लैब है नंबर 4 है। अच्छा, इसके अंदर क्या जी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्यों हम यूज करते हैं कि अगर हम लोगों ने अंदर कोई टेबल क्रिएट करना है, या हम लोगों ने अल्टर करना है या ड्रॉप करना है। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या दिया गया, नाउ ट्राई टू मॉडिफाई द स्कीमा बाई एडिंग द कॉलम फोन। वो ये कह रहा है कि आपका ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, उसके अंदर आप लोगों ने ये फोन का कॉलम जो है वो ऐड करना है। उसके लिए हम फिर क्या कमांड यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टर लिखूंगा यहाँ पे, और क्या अल्टर करना है हम लोगों ने, टेबल है वो भी कैपिटल में आएगा, एंड देन फिर हम लोगों ने टेबल नेम लिखूंगा, और इसके अंदर हम लोगों ने कॉलम ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड कॉलम, और कॉलम कौन सा है, वो फोन है, एंड देन फिर हमें डिफाइन करना पड़ेगा उसका वेरिएबल, जो करेक्टर्स होंगे वो कितने होंगे जो उसने यहाँ पे बताए हुए, और इसके बाद फिर मैं इसको सेमी कॉलन से क्लोज करता हूँ, और इसको हम लोग अब सबमिट करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने जो ऑलरेडी टेबल बना हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने एक और फोन का कॉलम जो है ऐड कर दिया। तो ये भी लैब कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट लैब पे चलते हैं। नेक्स्ट लैब जो है वो बेसिकली डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, यानी कि आपने किसी को जो राइट्स हैं उसको ग्रांट करने हैं या रिवोक करने हैं। तो जो हमें टास्क दिया गया है वो बेसिकली उसी तरह दिया गया है कि ट्राई टू ग्रांट राइट्स टू द टेबल, इस टेबल को हम लोगों ने और इस यूजर को राइट्स देनी है, क्या देनी है, कंप्लीट राइट देना चाह रहे हैं। तो वो उसी तरह हम लोग लिखेंगे ग्रांट ऑल कैपिटल में, और क्या करना है, ऑन कर रहे हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे टेबल जो उसने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है ग्रांट अंडरस्कोर राइट, ये टेबल नेम है, और फिर हम टू लिखेंगे कैपिटल में, और फिर हम जो यूजर है वो बेसिकली अनऑथराइज्ड यूजर है, ये हम लोग कमांड लिखेंगे, और इसका मतलब है हम लोग उसको, हम जो अनऑथराइज्ड यूजर है उसको हम लोग ग्रांट कर रहे हैं। इसके बाद मैं इसको सबमिट करता हूँ, और ये उसने क्यूरी ले ली है। तो दिस इज द वे आप जो डिफरेंट एसक्यूएल की लैंग्वेज की कमांड्स हैं, जिसमें DML है, DDL है और DCL है, वो हम लोग यूज करते हुए हम डिफरेंट किस्म की क्यूरीज कर सकते हैं, और डेटाबेस से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और इस तरह हम लोग राइट्स भी ग्रांट कर सकते हैं। आई होप यू लर्न हाउ बेसिक SQL लैंग्वेज वर्क्स एंड हाउ वी कैन यूज DML, DDL एंड DCL कमांड्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।